हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कितना अंधेरा है। और मेरी सासू माँ ने सुबह 4 बजे हमें उठा देती हैं, खुद तो उठती हैं और हमें भी उठा देती हैं, जबकि हमारे घर में कोई काम नहीं है, सिर्फ झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, यही सब है और कोई काम नहीं है। फिर भी 4 बजे उठा देती हैं और बच्चे अभी सो रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाती हूँ 4 बजे कितना अंधेरा होता है, अभी तक कोई भी नहीं उठा है, सिर्फ मेरी सासू माँ उठती हैं बस और मैं उठती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ भी आप लोगों को दिखेगा नहीं क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा। ये देखिए इस साइड दिखाई दे रहा कितना अंधेरा है अभी। तो देखा फ्रेंड्स कितना ज़्यादा अंधेरा है अभी। तो मैं तो लाइट के सामने खड़ी हूँ इसलिए इतना उजाला हो रहा है लाइट में। तो और यहाँ पे लाइट भी चली गई है, सुबह 5 बजे ही लाइट चली जा 4 बजे ही लाइट चली जाती है और फिर रात को लाइट होती है, सुबह ही चली जाती है 4 बजे लाइट। तो चलिए फ्रेंड्स, नहा लेती हूँ, मैंने भी नहाना है अभी, मैं भी बाल वगैरह दोनों, क्योंकि आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। तो व्रत भी रखूँगी, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट रखूँगी, बस इससे ज़्यादा नहीं रखूँगी, 9 दिन का नहीं रखना है। तो चल रही हूँ नहाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बाद में मिलूँगी मैं। और यहाँ पे वीडियो बनाने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि और मैं ट्राईबोर्ड भी नहीं लेकर आई, तो आप लोगों से मैं कोई रेसिपी वगैरह भी नहीं शेयर करूँगी यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, बस इसी तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने नहा धो लिया है और मैंने अपने घर के मंदिर में पूजा करने के बाद उसके बाद मैं ये काली जी का जो है स्थान है यहाँ पे, ये नीम का पेड़ है और यहाँ पे काली जी का मंदिर बना हुआ है छोटा सा, तो इस पर मैं जल चढ़ाने आई हूँ और जो है धूप बत्ती जला दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पूजा कर लेते और आप लोग भी देख लीजिए मैं पूजा किस तरीके से करती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे गांव के सभी लोग आते हैं जल चढ़ाने के लिए, काली जी के मंदिर है हमारे गांव में, इसे अर्थान बोलते हैं। और आप लोगों के लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, आप लोग बताना आप लोग क्या बोलते हैं। जहाँ पर नीम के पेड़ पर काली जी का ऐसे बना होता है तो आप लोग बताना क्या इसे बोलते हैं। हमारे यहाँ काली जी का अर्थान बोला जाता है, यहाँ पे काली जी वास करती हैं। तो चलिए मेरी पूजा हो चुकी है, अब बस मैं मत्था टेक लूँगी और घर के लिए निकलती हूँ। अभी मुझे घर में व्रत का खाना भी बनाना है। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ खाना, किचन में आ गई हूँ और किचन में बना रही हूँ आलू, क्योंकि आज सभी का व्रत है तो आलू में मैंने तड़का लगा दिया है। और चाय मेरी बन चुकी है, खाना खा लेते अम्मा डांट रही है, सुन रहे हो आप लोग सामने डांट रही है अम्मा मेरी कि मैं सुबह ही खाना खा लेती हूँ और तुम्हारे होते हुए जो है मुझे दोपहर तक मिलेगा। तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरी अम्मा जो है 7 बजे खाना खा लेती है और टाइम हो रहा है 7 बज चुके हैं, तो अभी उन्होंने मिला नहीं है तो इसलिए बोल रही है। तो भाई बहू होते हैं तो बहू के राज में तो उनको अपना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना, जब बहू खाना बनाएगी तभी उनको मिलेगा। और आज से आप लोग मुझे साड़ी में ही देखोगे, जब तक मैं यहाँ पे हूँ साड़ी पहनूंगी। तो मेरे ऊपर साड़ी कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके बताना, और आप में से ही है जिसने मुझे बोला था साड़ी पहनने के लिए, तो लो मैंने साड़ी पहन ली है और 10 दिनों तक अब साड़ी में पहनूंगी जब तक यहाँ पे रहूंगी। तो ये तो चलिए फ्रेंड्स, खाना बना ले, मैं बना लेती हूँ व्रत का खाना और अभी मम्मी को जाना घूमने कहीं, तो फिर चलिए चलते हैं, आप लोगों से बाद में बातें करते हैं। तो मेरा व्रत का खाना बन गया था और मैंने मम्मी जी को खाना दे दिया था, वो अपना खा रही हैं व्रत का जो है खाना, आलू भुना हुआ था वो खा रही हैं, उनको नमक बहुत ज़्यादा तेज़ था आलू में और नमक वाकई में बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो मेरा खाना पीना हो गया, नाश्ता
नाश्ते मतलब मेरा आज व्रत है तो मैंने आलू और चाय खा लिया, तड़का लगाया था। और अभी मैं क्लीनिंग कर रही तो झाड़ू पोछा मेरा हो गया है जो, और जो है बर्तन वगैरह हो गए थोड़े से थे, मेरी बेटी ने धो दिए थे। तो मैं घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत करूँगी। तो ये देखिए मशीन यहाँ पे रखी है, आपको दिखा सकती है मशीन रखी हुई है। तो एक मिनट लाइट ऑन कर लो, पहले अंधेरा है यहाँ पे। तो ये जो मशीन रखी है इसको मैं थोड़ा बाहर लगाऊंगी, कपड़े इसमें मुझे धोने हैं तो इसलिए मैं मशीन निकाल रही हूँ। और मेरी जो है 700 कपड़े वगैरह मशीन में नहीं होती, बस हाथों से धो लेती है कपड़े, तो मैं मशीन निकालूंगी। चलिए निकाल लेते हैं। और ये आप लोगों को दिखाती हूँ इस साइड का भी। तो ये देखिए ये मंजा है, इस पर सामान रखा जाता है क्योंकि नीचे नहीं रखती है, बारिश वगैरह होती है तो ये फर्श जो है गीला हो जाता है पूरी तरीके से, इसलिए इस मंजे पर रखा हुआ है। ये गेहूँ वगैरह रखे हैं इसके अंदर धुले हुए, तो ये सब मैं ठीक से रख दूँगी, अरेंज कर दूँगी बस, और कुछ नहीं। तो और स्पेस मान खाए तो चलिए फ्रेंड्स काम कर लेते हैं। और मुझे अभी कपड़े धोने, तो मशीन बाहर निकाल कर फिर उसमें कपड़े वॉश करूँगी। तो अभी अपने रूम की भी सफाई कर दी है, तो अभी मुझे सिर्फ किचन सेट करना है अपने हिसाब से। किचन मैं बनाऊँगी क्योंकि मेरी सास नीचे बैठ के खाना बनाती है और मुझसे नीचे बैठ के खाना नहीं बनाया जाता है, तो देखती हूँ उसको अरेंज करूँगी, ऊपर सास ले पर रखूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स काम कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने कपड़ों को मशीन में डाल दिया है और कपड़े धो रहे, तो बस इतने कपड़े, ज़्यादा कपड़े नहीं है, बस इतने धोने। तो कपड़े वगैरह धोने के बाद तो मैंने इधर का भी थोड़ा सा ठीक ठाक कर दिया है। ये देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मैंने ऐसे करके रख दिया था साइड में, तो इस तरीके से कर दिया। और वो वाला मंजा भी खड़ा है, तो घर बहुत छोटा है तो आप लोग देख सकते हैं लंबाई से ऐसा घर है, तो ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, ऐसे लंबाई की ज़्यादा है लेकिन चौड़ाई बस एक रूम। ये इधर ऐसे एक रूम लगे हुए हैं और ये बरामदा बस ऐसे लंबाई से घर बने हुए हैं हमारे। तो आप लोगों को मैं होम को प्रॉपर करके दिखाऊँगी। तो ये मेरी जिठानी का रूम है, एक एक रूम सभी का है इसमें, और मेरी जिठानी ने अलग से घर अपना बनवा रखा है बड़ा घर, तो वो गांव के अंदर रहेगा। तो ये मम्मी का घर है, सासू माँ का घर है, तो इसमें सभी के एक एक रूम बने हुए हैं। ये रूम मेरी जिठानी का है, तो ये रूम मेरी जिठानी का है। और आप लोग दिखाते हैं ये रूम मेरा है, तो ये रूम मेरा हैगा। और ये मेरी सासू माँ का रूम है, और मेरी सासू माँ का रूम नहीं है, ये रूम मेरी छोटी वाली दीवानी का रूम है, तो इसमें सासू माँ रहती है, उन्होंने ऊपर रूम अपना लगा रखा है तो उसमें वो रहती हैं। ये दिया हुआ है मम्मी के लिए अलग से रूम, तो इसमें बस उन्होंने अपना सामान वगैरह रखा हुआ है। और मंदिर हैगा इसी के अंदर, और ये वाला किचन हैगा आप लोग दिखाती हूँ, ये किचन है, ये किचन है। और ये है जो है हमारा पौड़ी, ऊपर को जाता है ये पौड़ी, तो बस छोटा सा रूम है। और ये बाहर ही है, हमने बाहर अलग से मंदिर बनवाया हुआ है लेकिन अभी इसमें हम पूजा नहीं करते हैं अभी उसको। ये देखिए आप लोग दिखाती हूँ, बाहर भी है, ये रूम लगाया हुआ है बाहर, अभी इसमें ये पूजा रूम हमने बनवाया है, तो अभी इसमें हम तो वो हमने पूजा रूम बनवाया लेकिन अभी उसमें हम पूजा वगैरह नहीं करते, अभी जो है अच्छे से जो पूजा वगैरह करेंगे तो फिर उसमें स्टार्ट होगा पूजा करना, अभी इसमें स्टार्ट नहीं किया पूजा करना, अभी सिर्फ मम्मी के रूम में ही पूजा होता है। और ये हमारा बाहर आंगन है, बाहर तो बाहर है ये जो है, यहाँ पे नल वगैरह लगे हुए हैं, और वॉशरूम भी दूर बना हुआ पीछे रूम वॉशरूम है हमारा, जो नहाने का तो नहीं बना, नहाने का हम लोग यहीं पे नहा लेते क्योंकि पीछे कोई भी नहीं है, पूरा जंगल है। तो ये देखिए बाहर पूरा जंगल है सारा, क्योंकि आजकल बरसात के मौसम में घास वगैरह, मेरी मम्मी की साड़ी है जो कि यहीं पर डाल दिया खाने के लिए। तो ये देखिए पूरा जंगल हैगा, बरसात के मौसम में बहुत सारे झाड़ जो हरे भरे इकट्ठे हो जाते हैं, तो मम्मी जो है इसमें मेंटेन से नहीं है घर को रखती है, बस इनका बस काम चलाओ काम होता है। तो ये देखिए, और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ पानी के पत्ते, तो ये देखिए
ये पान मेरी मम्मी ने लगाया हुआ है, ये कलकत्ता से लेकर आई थी पान, तो ये पान है, बहुत अच्छा लगाया हुआ पान और ग्रो भी अच्छे से किया हुआ है ये पान के पत्ते। और वॉशरूम, ये यहाँ पे वॉशरूम बनाया हुआ है, ये बस टेम्परेरी वॉशरूम बनाया और हम वॉशरूम यहाँ पे बनवाएंगे भविष्य में, अभी तो नहीं। और यहाँ से यहाँ पे हमने वॉशरूम बनवाना है, उसमें नहाने का और सारा रहेगा अच्छे से, वॉशरूम बड़ा सा वॉशरूम यहाँ पे हम बनाएंगे जब कभी होगा, तो अभी तो नहीं बनाया, बस अभी टेम्परेरी हमने बना लिया है ऐसे। तो मेरे कपड़े भी वॉश हो चुके हैं, तो इन्हें पानी से निकाल के मैं सूखने के लिए डाल देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने छोटा सा होम टूर दिखाया, अच्छे से मैं अपना घर दिखाऊंगी अभी नहीं, अभी क्लीनिंग मैं कर रही हूँ घर की, तो अभी तो मैंने वैसे जैसे बिखरा हुआ घर है वैसे दिखा दिया आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को बाद में अपना घर अच्छे से दिखाऊंगी जब मैं कर लूँगी अपने घर का। तो चलिए फ्रेंड्स, कपड़े धुल गए तो वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे गाँव में खेती कैसे करते हैं ये लोग, आप लोग भी देख लीजिए। ये उड़द की दाल है, दाल का पौधा है, तो इसको धूप में डाल दिया है सूखने के लिए। तो ये देखिए उड़द दाल है, तो ये ऐसे धूप में सुखा के फिर उसके बाद इसको डंडे से मार मार के इसको पीटेंगे और इसमें से दाने निकालेंगे। तो ये देखिए दिन भर इसको सुखाएंगे, फिर शाम को इसको पीट के इसके दाने निकालेंगे। तो मैंने ये पर्दे वगैरह लगा दिया था, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसको दरवाजे पर लकड़ी के पर्दे लगा दिए हैं। तो ये देखिए ये शाम का टाइम है और इसको डंडे से मार मार के इसका दाना निकाल पीट के जो है दाना अलग कर रही है। तो ये पंखा चला के इसको हवा दे दे के तो ये जो भूसा है इसको अलग कर देंगे और इसके साथ दाने जो हैं अलग हो जाएंगे। तो इसी तरह से दाल निकालते हैं गांव में जो हैं, खेती करते हैं जो छोटे किसान होते हैं, हम लोग छोटे किसान हैं, हमारे पास ज़्यादा खेती नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो पौधा दिखा रही हूँ फूलों का, तो इसका नाम है शौक श्रृंगार और रात श्रृंगार भी इसे कह सकते हैं। तो ये फूल जो है रात को ही खिलता है और सुबह जो है धूप के निकलते ही ये सारे फूल गिर जाते हैं। और ये फूलों फूल जो है पौधा जो है कृष्ण भगवान अपनी पत्नी के लिए सत्यभामा के लिए इंद्रलोक से लेकर आए हुए थे, उनके प्यार के लिए उपहार देने के लिए, प्यार में उपहार देने के लिए अपनी पत्नी के लिए इंद्रलोक से लेकर आए हुए थे। और तो आप लोगों को ये बताना है कि आप लोग इस पौधे के बारे में जानते हो या आप लोगों के यहाँ है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। हमारे घर के जो है मेरे घर के सामने घर पे ही ये पौधा लगा हुआ है, तो आप लोग जरूर बताना आप लोगों के यहाँ भी है ऐसा कोई पौधा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।